आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम पावर बीआई के बात हम पावर बीआई में हम बात कर रहे थे पावर क्यूरी के बारे में, सॉरी पावर, हाँ पावर क्यूरी के बारे में, राइट। हम यहाँ पे जैसे डेटा लोड करते हैं तब हमने डायरेक्ट लोड कर दिया तो डायरेक्ट पावर बीआई में चला जाता है, लेकिन ट्रांसफॉर्म करते हैं तो ये जाता है पावर क्यूरी में। तो पावर क्यूरी में क्यों भेजते हैं, ताकि डेटा को मॉडिफाई कर सके, डेटा को कस्टमाइज कर सके या कोई और कैलकुलेशन इसमें कर सके, राइट। यस सर। तो हमने लास्ट क्लास में बताया था कि किस तरह से हम इसका यूज करते हैं, मैंने बताया था ना सर आपको हमने, हेलो, तो होम मेनू बार में लास्ट टाइम में हमने बात की थी, या क्या बोलते हैं इसकी बात की थी हमने, कॉलम्स तक गए थे, राइट, कॉलम्स तक थे सर, हाँ रिमूव कॉलम्स थे। अब यहाँ रिड्यूस रो है आपका, तो जैसे कॉलम और रो दोनों एक ही था, ये दोनों हमने पढ़ाया था। अब बात करते हैं शॉर्ट की, तो शॉर्ट वाले पार्ट पे हम आते हैं। जैसे कि डेटा को, अब जैसे कि डेटा वहां भी शॉर्ट किया जा सकता है, यहाँ भी आप डेटा को शॉर्ट कर सकते हैं। जैसे हमने मान लीजिए नेम वाइज डेटा को शॉर्ट ए टू जेड या जेड टू ए में शॉर्ट यहाँ कर दिया, तो सेम डेटा वहां भी हो। आप बोलेंगे सर शॉर्ट हमने कर लिया, इसको अंडू करना है। यहां पर आपको दिख रहा है अप्लाइड स्टेप, ये आपको क्रॉस का निशान है, इसको डिलीट कर दीजिए, वो आपका स्टेप हट जाएगा। सिर्फ इसी में नहीं, और भी बहुत सारे में होता है कि स्टेप यहां से हटा। अब ये आता है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको एक बार देख लीजिए। जैसे आपका यहाँ पे आता है सबसे पहले कि स्प्लिट, स्प्लिट मतलब कि जैसे एक्सेल में हम टेक्स्ट टू कॉलन करते थे, आप यहां स्प्लिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन स्प्लिट के लिए हमें कोई और डेटा लेना होगा, तो इसको हम कैंसिल करते हैं। और दोबारा से हम एक नोट पैड के डेटा पे आते हैं। ये हमने इसको ओपन किया, अब इसे डेटा हमारे इसकी ट्रांसफॉर्म में हमारे आते हैं। तो ट्रांसफॉर्म में मान लीजिए कि हमें इसमें से कुछ पार्ट को अलग करना है, ठीक है, इसमें से हमें जैसे जितने भी ग्लोबल आईडी है, या फिर ये मान लीजिए हम इसमें से जो हमारा डैश से पहले का इसमें क्या टी सीरीज है, हमारा सीरीज दिख रहा है आपको इसमें, तो मुझे इसका सीरीज अलग करना है। तो इसके लिए लेफ्ट राइट फॉर्मूला लगाते, लेकिन यहाँ पे एक और आता है स्प्लिट कॉलम। तो स्प्लिट बाय डेनोमिनेटर, नंबर कैरेक्टर, पोजीशंस, लोअर केस, अपर केस, नंबर ऑफ डन डिजिट दिख रहा है। बाय डेसिमल, कि अगर इसमें डॉट लगा है तो डिलीमीटर, माफ कीजिए डिलीमीटर, तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि कौन सा डिलीमीटर, ठीक है। तो इसमें रहता है कि यहाँ पे देखिए तीन पार्ट है कि ईच ऑकरेंस ऑफ द डिलीमीटर, मतलब कि जितने भी डैश है सारा आ जाए, राइट राइट सेलेक्ट करे, लेफ्ट लेफ्ट मोस्ट डिलीमीटर से अलग करे, तो हम लेफ्ट मोस्ट को सिलेक्ट करके ओके कर, यहां देख रहे हैं आप, दिख गया सर, बिल्कुल सर, तो डिलीमीटर समझ में आ गया, बिल्कुल। अब इसमें आता है नंबर और करेक्टर, जैसे इसमें की बात करते हैं नंबर और करेक्टर, तो यहां पे आपको ये बताना है कि मुझे नंबर और करेक्टर अलग करना है। तो
तो हमने बोला कि भाई नंबर ऑफ कैरेक्टर, हमने बोला यहाँ पे दो कैरेक्टर अलग करना है लेफ्ट से, ओके। अब ये देखिए इसने दो को अलग कर दिया, कर दिया। अब जिस अलग हुआ 12, तो ऑटोमेटिकली एक कन्वर्ट, यहाँ पे चेंज टाइप दिख रहा है आपको, क्योंकि जब इसके साथ था तो टेक्स्ट था, अलग होते इसने कन्वर्ट कर दिया अपने आप को इसमें नंबर में। तो कभी ऐसा हो सकता है कि ये चेंज टाइप आपका ना चेंज ऑटोमेटिक ना हो, तो यहां से आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि चेंज टाइप टेक्स्ट की जगह पे आप यहाँ पे डेसिमल नंबर, होल नंबर, जो करना चाहे वो चेंज कर सकते हैं, राइट सर? यस सर। अब ये चीजें पावर बीआई में नहीं थी सर। उसके बाद यहां स्प्लिट में बाकी चीज आप देख लेंगे कि पोजीशन के हिसाब से, लोअर केस अपर केस के हिसाब से, अपर केस लोअर केस के हिसाब से, डिजिट और नॉन डिजिट, और नॉन डिजिट और डिजिट के हिसाब से सेपरेट करता है। और जहां तक मेरी, मुझे उम्मीद है कि आप इसका यूज कर पाएंगे, क्या कल्पेश जी एंड मनीष जी? बिल्कुल सर, इसका तो वैसे भी एक्सेल में वो टेक्स्ट टू टाइप डेलिमिटर करके करते थे, ये उसका बहुत ही एडवांस वर्जन है। जी हाँ। अब इसमें बात करते हैं ग्रुप बाय। ग्रुप बाय जैसे कि यहां मेरे पास दिख रहा है कि 20 है, मैं इसके अकॉर्डिंग ग्रुप करना चाहता, तो हमने ग्रुप बाय पे क्लिक किया, तो यहाँ 21 आ गया। क्या करना है? काउंट करना है, काउंट काउंट ऑपरेशन काउंट है, और कॉलम नेम काउंट आएगा, किस कॉलम का काउंट करना है। यहाँ पे कॉलम नहीं दिख रहा है, वरना दिख सकता है। एडवांस पे क्लिक करेंगे तो आपको और ज्यादा ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा, मोर ऑप्शंस का। तो जैसे पिवट टेबल हम लगाते थे ना, वो तो पिवट के फॉर्म में आपका डेटा को भेजेगा। देखिए सर, मैं एक इसको एक अलग डेटा पे मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, इसके लिए मैं एक अलग डेटा क्रिएट करता हूं। जैसे कि हमने यहां पे नेम दे दिया, यहां पे हमने मान लीजिए सिटी दे दिया, और यहां पे हमने सेज दे दिया। और यहाँ पे सिटी में और सेल्स जो है मान लीजिए लेते हैं अपने, इस फाइल को मैं सेव कर देता हूँ। और इसको क्लोज करते हैं, पावर डिलीवरी में इसको मैं लोड करता हूं। अब इसे मान लीजिए कि आपने एक्सेल पे क्लिक किया, अब इसको हमने ओपन किया, ओपन करने के बाद यहां हमने सीट को सिलेक्ट किया। अब क्या है सर कि मुझे जो रिपोर्ट बनानी है वो रिपोर्ट बनानी है नेम वाइज टोटल सेल्स की, तो मैं इसको डेटा को लोड करके, यहां लोड करके हम यहां बना सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे ध्यान रखिएगा कि हमें क्यों पावर टूल की जरूरत पड़ेगी। आगे तो मैं यहां पे अपना मैट्रिक्स है या कुछ है, हम यहां पे ले सकते हैं कि नेम वाइज, और यहां पे सेल्स ले सकते हैं।
आ गया क्या सर? बट प्रॉब्लम क्या है कि मेरे डेटा में कुछ और चीजें भी हैं और उन चीजों को हम बाकी के साथ शेयर नहीं करना चाहते। हम चाहते कि मुझे जो चाहिए, मुझे क्या चाहिए, चाहिए ना बस इतना ही डेटा मुझे रिसीव हो, बाकी डेटा रिसीव ना हो। बात समझे? और डेटा ना जाए किसी के पास इसका। हाँ, किसी के पास ना जाए, मुझे चाहिए नहीं, बहुत बड़ा डेटा है, काफी दिक्कत होती है पावर बी आई में काम करने की, वगैरह वगैरह और भी चीजें हो सकती है। बात समझ गए? बिल्कुल। तो उस केस में हम इसको ट्रांसफॉर्म डेटा में आते हैं, ट्रांसफॉर्म डेटा पावर क्वेरी पे जाते हैं। और यहीं पे मैं ग्रुप बाई कर देता हूं। ग्रुप बाई में नेम के अकॉर्डिंग काउंट चाहिए, नेम की यहां पे हमने दिया टोटल, और यहां पे काउंट रो चाहिए हमें, नहीं हमें सम चाहिए। किसका सम चाहिए? तो हमें चाहिए सिटी सेल्स का। हो गया? एडवांस करेंगे तो इसमें और भी जैसे कि एग्रीगेशन वगैरह लगा सकते हैं कि नहीं, इसमें जो है टोटल नहीं, मुझे यहाँ पे एवरेज भी चाहिए, सॉरी काउंट भी चाहिए, काउंट काउंट रो में काउंट करना है, काउंट यहाँ पे काउंट रोज। इसका तो काउंट रो कर दिया तो अभी रो ही काउंट करेगा ना। पर यहाँ पे मुझे चाहिए एवरेज एवीजी, और मुझे यहाँ पे एवरेज चाहिए। ये चीजें भी आप कर सकते हैं सेल्स का, और फिर आप ओके कर दीजिए तो आपके सामने दिख रहा है आपको कि आपका पूरा पिवट भी जैसे हम लगाते हैं उसी तरह का आएगा। और फिर इसको अप्लाई एंड क्लोज कर दीजिए तो बाहर आपका डेटा जो है उतना ही में हो जाएगा, उतना ही डेटा आपके यहां दिख जाएगा। ठीक है सर? जी सर। आ गया? अब वापस चलते हैं एडिट डेटा पे, इसमें सोर्स में ट्रांसफर। अब यहाँ पे दिक्कत आता है कि आपने ग्रुप कर दिया तो यहाँ से कैंसिल करके अनग्रुप कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अब चीज आती है टाइप। अब यहाँ पे फर्स्ट रो एज ए हीडर, जैसे कभी कभी क्या होता है कि आपका हीडर नहीं आइडेंटिफाई करता है, हीडर को आइडेंटिफाई नहीं करता है, तो यहाँ पर दे सकते हैं कि यूज फर्स्ट रो एज ए हीडर या फर्स्ट रो हीडर एज ए फर्स्ट रो। ठीक है ना? तो यहां पे इसका यूज आप कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर रिप्लेस आता है कि आपको अगर किसी अमाउंट को किसी अनदर अमाउंट से रिप्लेस करना है तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। राइट सर? हेलो सर। तो ट्रांसफॉर्म समझ में आ गया? बिल्कुल सर। हाँ। और तो इसमें नहीं। अब इसमें अगला आता है आपका कंबाइन। कंबाइन है क्यूरी। क्यूरी मतलब कि हम दो डेटा को आपस में लें, उसके रिलेशनशिप करें या मर्ज करें या कंबाइन करें, इनके बारे में हम आपको बताएंगे। और साथ में इसको हम एक्सेल में भी पावर बी आई में कैसे करें, ट्रांसपोर्ट पावर बी आई में आपको रिलेशनशिप समझाया था ना? हाँ, तो इसमें रिलेशनशिप कर सकते हैं। इसमें हम अपेंड क्यूरी है, मर्ज क्यूरी है, इनके बारे में हम आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद हम ट्रांसफॉर्म में आएंगे तो यहाँ पे जैसे कि अभी आपने होम पे जो ट्रांसफॉर्म देखा वो मोस्ट यूजेज पार्ट था, बट ट्रांसफॉर्म में आएंगे तो यहाँ इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे ग्रुप बाय देखा है आपने, यूज फर्स्ट हेडर रो, ट्रांसफॉर्म डेटा को वर्टिकल वर्टिकल कर सकते हैं, रिवर्स रो, दिख रहा है आपको? बिल्कुल सर।
रिवर्स कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, टेबल में आया। वैसे मैं रिवर्स रो की बात करूं तो एक मिनट मुझे इसको आ गया ना। अब जैसे कि रिवर्स रो की बात करें, पूजा है पुणे 31 है, अब मैं यहाँ पे यहाँ पे मैं रिवर्स रो करता हूँ। ठीक है सर, ठीक है रिवर्स मतलब समझे, मैं कल एक काम करता हूँ करता हूँ रिवर्स समझेंगे। मैं यहाँ पे टोटल काउंट के जगह पे सम, नेम को सम नहीं करना, सेल्स को करना है। आ गया, अब मैं इसको रिवर्स शो करता हूँ। तो पंकज है नीचे विकास है 831 रिवर्स रो, विकास ऊपर आ गया, पंकज नीचे आ गया, असेंडिंग डिसेंडिंग जैसा है क्या शायद? जी नहीं है सर, असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं है। देख अभी क्या है कि पंकज नीतु देव ओम दिख रहा है ना, अगर मैं रिवर्स करता हूँ तो पहले विकास दिखेगा, फिर अमर दिखेगा, फिर उदय दिखेगा, तो इस तरह से ऊपर लेते जाता है, मतलब ऊपर के और नीचे बेचता, नीचे करो ऊपर लाते हैं। जी हाँ, रिवर्स ट्रांसपोज करूंगा तो ये हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल हो जाएगा, वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, जैसे पे स्टेटस में होता है। काउंट रो, रो की काउंट आपका यहाँ पे शो कर देगा यहाँ पे कि 12 है। ओके, ये फिर किधर यूज होगा 12 दिखाइए वो, जैसे कि हमने खाली इन्फॉर्म के लिए आपने एक डेटा लिया, आपके पास डेटा है। ओके, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे इतना पता करना है कि टोटल डेटा है कितना। ओके, इधर कैलकुलेशन कर सके, इधर कैलकुलेशन कर सके ना, समझे? जैसे कि मान लीजिए कि दो डेटा है, एक डेटा हमारा है जो कि डेटा वन है, एक हमारा डंप डेटा है। तो मुझे पता करना है कि डेटा वन में कितना परसेंट डेटा है डंप के अकॉर्डिंग। तो मुझे डंप पूरा लेके नहीं आना है, डंप की काउंट सम या कुछ ऐसा लेके आना है। ओके, समझ गए? अब इसकी प्रैक्टिस कीजिए,